अपनी तमाम मांगों को लेकर राज्य के तांत्रिक अप्रेंटिस कंट्राती कर्मचारियों ने और कामगार एसोसिएशन ने विधानसभा पर मोर्चा निकालते हुए दस्तक दी तथा अपनी मांगों का निवेदन दिया। आइए देखते हैं कंट्राती कामगारों की विभिन्न मांगे उन्हीं की जुबानी। देश में यदि सबसे बड़ी कोई मजबूत बात है तो वो है कामगार, मगर अफसोस कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के साथ में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उनको फिर स्थायी करना हो या रेगुलर करना हो या उनको पेंशन देना हो, उनकी तमाम जो बातें कंत्राटी कामगार इन दिनों अपने बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं। उन्हें कामकाज नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज उनके परिवार पे भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कर्मचारी का जो जीवन है यूं ही ऐसा ही चलता रहेगा या सरकार उस ओर ध्यान देंगी? एक और सरकार कहती है कि कामगारों को हम न्याय देंगे, कामगारों को हम बढ़ावा देंगे, उसके बावजूद भी जिस तरह से ये कामकाज चल रहा है इससे कामगार का जीवन खतरे में है। कामगारों के साथ अगर यूं ही ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कामगार कामगार होगा ही नहीं। पहले तो कामगार बेरोजगार है और बेरोजगारी में जिस किसी कामगार को थोड़ा बहुत एक टेक्निकली जो काम मिला है उसको भी छीनने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। आइए ये तमाम बातें हम जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ में ये तमाम पदाधिकारी हैं जो कंत्राटी कामगारों का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे लहानू साहब इनके पास। लहानू साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार से ये कामकाज हो रहा है क्या कहना चाहोगे आप? राष्ट्रातील शिक्षा उमेदवारांनी कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नासाठी विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन प्रणित तांत्रिक अप्रेंटिस कंत्राटी कामगार असोसिएशनच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांना कायम करा, त्यांना शाश्वत रोजगाराची हमी द्या, शिक्षा उमेदवारांना मान्य केलेलं आश्वासित केलेलं आरक्षण द्या, वयोमर्यादा महावितरण कंपनी वयोमर्यादा वाढवा व इतर अनेक प्रश्न अनेक वर्षापासून 20 वर्षापासून प्रलंबित आहेत। शासनाने अनेक वेळा चर्चा केली, शासनाच्या माध्यमातून अनेक वेळा चर्चेला पाचारण केलं, लेखी स्वरूपात दिलं, पण अद्यापपर्यंत एकही प्रश्न या शासनाने आणि प्रशासनाने सोडवला गेलेला नाही। आता 25% आरक्षणाचा विषय मागील ऊर्जा मिनिस्टर सन्माननीय बावनकुळे साहेबांनीही सांगितलं होतं की तुम्हाला 25% आरक्षण कंत्राटी कामगारांना कायम करणार, शाश्वत रोजगाराची हमी देणार, पण अद्यापपर्यंत झालेलं नाही। महावितरण कंपनी वयोमर्यादा, शिक्षा उमेदवारांची वयोमर्यादा स्वयंसेवा भरतीमध्ये वाढवण्यात लेखी दिलेलं आहे, अजून झालेलं नाही। कंत्राटी कामगारांचं शोषण मोठ्या प्रमाणात होते, तिथले जे कंत्राटदार आहेत त्यांना कमी वेतन दिलं जाते आणि या कंत्राटी कामगारांचं आर्थिक मानसिक या सर्व प्रकारचं शोषण केलं जाते। हे शोषण शासनाने आणि प्रशासनाने त्वरित थांबवावं, अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि हा उद्रेक युगाचा उद्रेक राहणार आहे, हा उद्रेक कामगारांचा उद्रेक राहणार आहे आणि हा उद्रेक महाराष्ट्रातील सत्ता ही पालटल्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद। ऊर्जा मंत्री बावनकुळे जी को भी इन्होंने ज्ञापन दिया था और अपनी समस्या से अपनी भावनाओं से अवगत करा रहा था, उसके बावजूद चंद्रशेखर बावनकुळे इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। आइए कुछ और भी पदाधिकारी उनसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए, कामगारांची पिळवणूक वर्षानुवर्षापासून होत आहे आणि याचे शासनालाही कल्पना आहे, प्रशासनालाही कल्पना आहे, पण कुठंतरी दुर्लक्ष होत आहे। हा एक भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा आहे। जर प्रशासनात जे काम करतात त्यांचे जर साधे त्याचे इन्कम जरी त्यांची प्रॉपर्टी जरी चेक केली एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरपासून तिन्ही कंपनीतली, तरी हा भ्रष्टाचार उघडकीस जरूर येईल आणि हे पिळवणूक कुठं ना कुठं थांबायला पाहिजे, नाहीतर जरूर आजचा जो युवक आहे तो चिळेल आणि कुठं तो रस्त्यावर येणार आहे। सर आपकी प्रमुख मांगे क्या है, सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं कहना है कि जो अभी तीनों कंपनी में 45-50 हज़ार जगह खाली है, खाली रहने के बावजूद भी जो आईटीआई और अप्रेंटिस होने के बाद में डायरेक्ट इनकी भर्ती नहीं होती है और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देके उनको उनसे कम पैसे में काम करवा लेते हैं। और उदाहरण के तौर पर अभी पिछले सरकार ने ग्राम विद्युत सहायक ऐसे रखे हैं और हर एक गाँव में उसको 3,000 रुपये में रखा है और 3,000 रुपये में आज परिवार चलता नहीं है। बाल बच्चों को क्या खिलाएंगा, वो खुद क्या खाएंगा, एक तो उनको पेमेंट तक उनको समय पर मिलता नहीं है। ऐसे अगर योजना से अगर शासन पीएम करते होंगे युवा लोगों की तो युवा लोग उद्रेक करके बिल्कुल शासन के विरुद्ध में काम करेंगे और भर्ती हमको भर्ती कर भर्ती लो, तुम कॉन्ट्रैक्टरों के घर मत भरिए, हमारा यही कहना है यूनियन के माध्यम से। और अगर ये अगर नहीं हुआ तो हम इससे भी ज्यादा मातोश्री पर आंदोलन करेंगे, हम मंत्रालय में आंदोलन लेके जाएंगे और इसकी दखल अगर नहीं हुई तो हमने आज बाबा साहब थोड़ा जिसे मिले हैं उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, अगर उन्होंने मीटिंग लगाई हमारे अगर ये बच्चों का काम नहीं किया तो हम महाराष्ट्र लेवल पे बड़ा आंदोलन करेंगे, इसकी शासन ने खबरदारी लेने को। क्या नाम आप? रवि वैद्य। तो आप थे रवि वैद्य जिन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ बात करते हुए ये कहा कि अगर सरकार ने ध्यान हम इनकी ओर नहीं दिया
तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक आंदोलन भी छेड़ने की बात उन्होंने की है। जिस प्रकार से इन सबका ये मानना है, ये कहना है कि जब से ये प्राइवेटाइजेशन जो शुरू हुआ है उसके चलते ये लोग है ये काफ़ी प्रभावित हुए हैं, इन्हें कामकाज पे नहीं लिया जाता और किसी कारणवश किसी को लिया भी जाता है तो उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं और साथ में साथ उनका छल भी किया जाता है। नागपुर के अधिवेशन से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, खुर्ची खाली करो।